हमने नोटिफिकेशन की है, इस नोटिफिकेशन से सबसे ज़्यादा नुकसान दिल्ली के अंदर जो दो नंबर के अंदर ज़मीनों का, एग्रीकल्चरल ज़मीनों का जो घोटाला हो रहा है उनको था, जो बेईमानी से ज़मीनों को, काले पैसे में ज़मीनों को खरीद रहे थे। अभी मार्केट रेट में और सर्कल रेट में फ़र्क था। मार्केट रेट 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए एकड़ था ज़मीन का, और सर्कल रेट 53 लाख रुपए था, तो हमने मार्केट रेट के बराबर ला दिया। इससे दो नंबर का काम खत्म हो रहा था। तो जितने ये प्रॉपर्टी डीलर, बिल्डर, ये सारे बीजेपी कांग्रेस वाले हैं, प्रॉपर्टी डीलर बिल्डर, ये सारे दौड़े दौड़े गए कि इसको रद्द करो, इसको रद्द करो, इसको रद्द करो। तो जो रद्द किया जा रहा था उसके पीछे बड़े बड़े घोटालेबाज थे। तो मुझे बड़ी अच्छा लगा कि आज माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने इसका निर्णय दिया। आज कोई ऐसे ही PIL फाइल की गई थी कि दिल्ली सरकार ने LG साहब की परमिशन नहीं ली है फाइल पे, इसलिए इसको रद्द किया जाए। तो दिल्ली सरकार, वो दिल्ली हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर दिया है और कहा है कि दिल्ली सरकार ने जो किया वो ठीक किया। ये फैसला लागू रहेगा सर्कल रेट का? ये लागू रहेगा, बिल्कुल रहेगा। हम इसके लिए जो बेईमानी से ज़मीनों के घोटाले हो रहे हैं दिल्ली के अंदर और जो काला बाजारी हो रही है उसके बिल्कुल सख्त खिलाफ़ हैं, और जो सर्कल रेट बढ़ा है इस पर अड़ी हैं।